गाइस क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है ना। देखिए मार्च के महीने में काफ़ी सारा स्मार्टफोन ब्रांड इंडिया में स्मार्टफोन लॉन्च किया। अभी मार्च का महीना ख़त्म होने वाला है और अप्रैल स्टार्ट होगा और मैं आपको टॉप 10 प्लस स्मार्टफोन बताऊंगा जो अप्रैल के मंथ में इंडिया में लॉन्च होगा एंड जिस फ़ोन के लिए आप वेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अप्रैल के मंथ में कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड अपना स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। तो गाइस मेरा नाम है स्वरूप और आप देख रहे टेक सूत्र। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे अपना एंड्रॉयड का एप्पल सैमसंग के बारे में, क्योंकि सैमसंग मिड रेंज के स्मार्टफोन में चार्जर हटा दिया है, इसलिए एप्पल ने पहले स्टार्ट किया, अभी सैमसंग वही काम कर रहा है। तो सैमसंग काफ़ी सारा स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगा। रिसेंटली सैमसंग ए सीरीज का 3 स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च किया है, A53, A73 एंड A33, और ये तीनों स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिलेगा। अभी से गैलेक्सी A53 का प्री बुकिंग स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन में। ये स्मार्टफोन 2 रैम भिन्न के साथ लॉन्च हुआ है। 6GB का प्राइस है 34,500 एंड 8GB का प्राइस है 36,000। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इस प्राइस के अंदर में इस फोन में आपको बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको एंड्रॉयड डिस्प्ले मिल जाएगा, अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी मिलेगा, अच्छा प्रोसेसर मिल जाएगा, बढ़िया कैमरा मिलेगा, बिग बैटरी मिल जाएगा। तो गैलेक्सी A53 को आप बाय कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। और गैलेक्सी A33 भी अप्रैल के मंथ में इंडिया में लॉन्च होगा। गैलेक्सी A33 एंड गैलेक्सी A53 दोनों स्मार्टफोन में आपको ह्यूज डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको डिफरेंस मिलेगा डिस्प्ले के हाई रिफ्रेश में और कैमरे में, और बाकी फीचर्स आपको सेम देखने को मिल जाएगा। इसलिए A33 का प्राइस कम होगा A53 से। और गैलेक्सी A73 ग्लोबली लॉन्च हो गया है और अप्रैल में लॉन्च होने का चांस है, अभी कंफर्म नहीं है, लॉन्च हो सकता है। और एम सीरीज की बात करते हैं, M53 भी बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिलेगा, मतलब अप्रैल के मंथ में चांस है लॉन्च होने का। नेक्स्ट ब्रांड की बात करते हैं, नेक्स्ट ब्रांड है रेडमी का सब ब्रांड पोको। पोको की तरफ से आपको 2 स्मार्टफोन देखने को मिलेगा और आप सभी को पता है पोको हमेशा जाओमी के फ़ोन को रीब्रांड करके इंडिया में लॉन्च करता है। पोको X4 Pro के नाम से इंडिया में लॉन्च करेगा और Redmi Note 10 Pro Plus से काफ़ी कम प्राइस में ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। आप पकड़ के चलिए 19,000 से 20,000 के अंदर में इंडिया में लॉन्च होगा एंड ये दोनों स्मार्टफोन का फीचर्स सेम टू सेम होगा, सिर्फ डिज़ाइन में डिफरेंट होगा। देखिए अगर आपका बजट Redmi Note 10 Pro Plus जैसा नहीं है तो आप पोको के लिए वेट कर सकते हैं। पोको X4 Pro अप्रैल के मंथ में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन है पोको F4 GT। तो ये पोको की तरफ से एक गेमिंग स्मार्टफोन है और एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट के साथ आएगा। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिपसेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा और इस स्नैपड्रैगन का सबसे टॉप लेवल का चिपसेट है। तो अगर आपको गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए पोको की तरफ से इस फोन को आप देख सकते हैं और ये स्मार्टफोन 30,000 से 40,000 के अंदर में देखने को मिल सकता है। तो आप इस फोन के लिए भी वेट कर सकते हैं। गाइस इस वीडियो में जो जो स्मार्टफोन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी स्मार्टफोन के ऊपर आपको अलग से वीडियो चाहिए, मतलब डेडिकेट वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा उस स्मार्टफोन के ऊपर। और इस टाइप का वीडियो पाने के लिए प्लीज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल क्लिक करना। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करना और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में जान लेते हैं। गाइस नेक्स्ट स्मार्टफोन कंपनी है वीवो। अगर आप वीवो की न्यू स्मार्टफोन के लिए वेट कर रहे हैं तो वीवो T1 Pro बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिलेगा। ये T1 का सक्सेसर होगा। देखिए T1 कुछ दिन पहले वीवो ने लॉन्च किया था जो 16,000 के अंदर में वीवो की तरफ से एक 5G स्मार्टफोन है। अभी T1 का सक्सेसर T1 Pro देखने को मिलेगा अप्रैल के मंथ में, जहाँ पर आपको Dimensity 810 का एक 5G चिपसेट मिल जाएगा, बढ़िया कैमरा सेटअप मिलेगा, अच्छा डिस्प्ले मिल जाएगा और ये स्मार्टफोन 20,000 के अंदर में देखने को मिलेगा, मतलब 19,000-18,000 में लॉन्च होगा। तो आप इस फोन के लिए भी वेट कर सकते हैं। और Realme की बात करते हैं, Realme 3 स्मार्टफोन अप्रैल के मंथ में इंडिया में लॉन्च करेगा, Realme GT2 एंड 2 Pro और Realme GT Neo 3 जो ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो गया है, वही स्मार्टफोन अप्रैल के मंथ में इंडिया में देखने को मिलेगा, जहां पर आपको टॉप लेवल का चिपसेट मिल जाएगा, एक बढ़िया डिज़ाइन मिलेगा, अच्छा कैमरा सेटअप मिलेगा। तो आप इस फोन के लिए भी वेट कर सकते हैं, आप फीचर्स देख सकते हैं, ये फीचर्स देखने को मिलेगा। OnePlus की बात करते हैं तो OnePlus काफ़ी सारा स्मार्टफोन अप्रैल के मंथ में इंडिया में लॉन्च कर सकता है। पहले बात करेंगे OnePlus Nord 3 के बारे में। ये स्मार्टफोन एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन होगा OnePlus की तरफ से और जो आपको 35,000 के अंदर में देखने को मिल सकता है, जहां पर आपको 6.67 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा विद 120Hz का रिफ्रेश रेट। फोन की बैक साइड में 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप,
और डायमेंसिटी 8100 का एक फ्लैक्सिबल लेवल का चिपसेट मिल जाएगा और 4500 mAh का बैटरी, जहां पर आपको 150W का फास्ट चार्जर मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होगा Note 3, तो आप इस फोन के लिए वेट कर सकते हैं। अप्रैल के मंथ में इंडिया में देखने को मिल सकता है और Note 2 का सक्सेसर Note 2 TV देखने को मिलेगा अप्रैल के मंथ में, जहां पर आपको बढ़िया कैमरा सेटअप मिल जाएगा, अच्छा प्रोसेसर मिलेगा और ये स्मार्टफोन 30,000 के अंदर में इंडिया में लॉन्च होगा। तो आप इस फोन के लिए भी वेट कर सकते हैं और OnePlus Note 2 CE Lite भी इंडिया में देखने को मिल सकता है अप्रैल के मंथ में और ये स्मार्टफोन 20,000 के अंदर में लॉन्च होगा। OnePlus की तरफ से सबसे कम बजट का एक 5G स्मार्टफोन होगा, तो आप इस फोन के लिए भी वेट कर सकते हैं। गाइस, ये सभी कंपनी अप्रैल के मंथ में स्मार्टफोन लॉन्च करेगा और जिसके लिए आप वेट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस टाइप का वीडियो पाने के लिए और भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिस बेल को ऑल क्लिक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। फिर से मुलाकात होगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। गुड बाय।